हरे कृष्ण, मैं हूं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में जो आप पूजा पाठ करते हैं उसकी विधियाँ, उसकी विधि क्या है, तौर तरीके क्या हैं, और आप कैसे पूजा करते हैं, और जो पूजा वाली वस्तु होती है उसको जमीन पर रखने से क्या दिक्कतें आती हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस सब मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। हिंदू धर्म का कई बार क्या होता है कि पवित्र चीज़ों को सीधे जमीन पर रखने से लगता है दोष, तो कभी भी जो भी आप पूजा पाठ करते हैं तो उन सब चीज़ों को जमीन पर न रखें। देवी भागवत के अनुसार, देवी भागवत के 9वें स्कंद में बताया गया है कि पूजा में उपयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं जो अति पवित्र होती हैं, उन्हें सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, यानी बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उन चीज़ों की पवित्रता कम हो जाती है, साथ ही साथ उनका प्रभाव भी कम हो जाता है। मोती होता है, सीप, यंत्र, माणिक्य, हीरा, यज्ञोपवीत, पुष्प, पुस्तक, तुलसी दल, जप करने की माला, फूलों की माला और गोरोचन इत्यादि और शालिग्राम का जो जल होता है, इन चीज़ों को सीधे जमीन पर रखने से दोष लगता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि इन सब चीज़ें जो महत्वपूर्ण थे इनको जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा अन्य 7 महत्वपूर्ण चीज़ें भी जिनको सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ों को सीधे जमीन पर रखने से लगता है दोष। शालिग्राम, शालिग्राम की जो मूर्ति जो होता है ना, उसको अगर जमीन पर रखते हैं तो काफ़ी दोष होता है और इससे व्यक्ति के की जो दिक्कतें आती है तो नहीं करना चाहिए, इससे कोशिश करना चाहिए, बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। विष्णु का स्वरूप होते शालिग्राम, इनको सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उसी तरीके से शिवलिंग होता है, तो शिवलिंग कहते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप होता है, तो शिवलिंग को भी जमीन पर रखने से दोष लगता है, तो ध्यान रखना चाहिए कि जमीन पर न रखें। शंख, शंख आपने देखा होगा, शंख को भी जमीन पर रखने से बचें। इसी प्रकार का दीप होता है, दीप, जो दीपक आप जलाते हैं तो दीप को भी जमीन पर रखने से बचना चाहिए। कपूर, कपूर को जमीन पर न जलाना चाहिए, न रखना चाहिए, दोष होता है। सोना, सोना जब आप पूजा में अगर सोने का प्रयोग करते हैं तो उसको भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। और आप देखे होंगे चंदन, चंदन जो भगवान को लगाते हैं तो चंदन को भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उससे क्या होता है कि दोषपूर्ण होता है और वो ठीक नहीं मान पाता था। इन चीज़ों को सीधे जमीन पर रखने से दोष लगता है, जैसे शालिग्राम है, शालिग्राम है, शिला है, शिवलिंग है, ये सब पूजनीय होता है, तो इन्हें जब जो अपने पूजनीय चीज़ों को जमीन पर बिना आसन का रखते हैं तो दोष लगता है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बचना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वह सीधे घर की ऊर्जा से टकराकर टकराव पैदा होता है, जिसका असर आसपास के लोगों पर पड़ता है, तो कई बार क्या होता है कि वह गलत चीज़ें होती है, गलत हो जाता है, और इसके नाते क्या होता है कि नेगेटिव ऊर्जा के नाते उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। तो देखते होंगे जब इस तरह से लोग करते हैं तो क्या होता है कि इनके घर में दरिद्रता, रोगों से बचने के लिए इन्हें जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा का भी होता है, तो इससे एकदम ध्यान रखना चाहिए। और क्या होता है कि जो शंख है, स्वर्ण है, चंदन है, ये सब लक्ष्मी जी को अति प्रिय है और ये पूजा में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, तो इससे इससे क्या होता है कि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, तो लक्ष्मी जी का रंग स्वर्ण और चंदन के समान होता है। वही शंख उनके साथ समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था, तो शंख माँ लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। तो ये कहा जाता है कि इन वस्तुओं को जब सीधे आप जमीन पर रखते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, तो आपके घर में जो सुख समृद्धि सौभाग्य आना होता है वह नहीं आता। इससे क्या होता है कि इच्छा रखने लोगों को सीधे इन चीज़ों को सीधे जमीन पर रखते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, तो अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का आदर सहित आसन पर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं आपने देखा होगा दीपक है, दीपक है, कपूर है, ये जो है अग्नि से प्रज्वलित होती हैं और ये दोनों वस्तुएं अग्नि देव का प्रतीक माना जाता है, और दीपक और कपूर को देवी देवताओं को आरती के रूप में प्रयोग किया जाता है, आरती की जाती है इनसे, इसलिए अग्नि दोष और असफलता से बचने के लिए इन चीज़ों को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जैसे आप पूजा पाठ करते हैं,
तो कोई भी पूजा करते हैं लोग की पूजा तो भगवान का पूजा करना है, वहाँ भक्ति की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। बहुत अच्छी बात है कि भक्ति की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, तो उससे उस पूजा के महत्व बढ़ जाता है। यदि आप पूजा पवित्र भाव से आसन पर सुव्यवस्थित और एकाग्र होकर के जो आप पूजा करते हैं तो उस पूजा का फल आपको मिलता है। कई बार आप देखते होंगे कि लोग काफ़ी घर में साधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और पूजा काफ़ी करते हैं उनके घर में, लेकिन वो कहते हैं कि हम इतना पूजा करते हैं मुझे इसका फल नहीं दिखता है। तो उसके पीछे क्या कारण होता है कि छोटी छोटी बातों को लोग ध्यान में नहीं रखते, जिसके नाते जो भी उनके द्वारा पूजा की जाती है उस पूजा का पूर्ण फल उनको नहीं मिलता। तो जब आप पूजा करते हैं, समय देते हैं, भगवान के लिए समर्पित हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सिस्टम में करते हैं तो चीज़ें आपकी और बढ़ जाती है। सत्यताज मैंने आपको बताया कि आप जो जीवन में पूजा पाठ करते हैं, जो पूजा में रखी हुई सामग्री है उसको सीधे ज़मीन पर रखते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम आते हैं, अगर उसके आसन पर या कहीं अच्छे जगह से रखते हैं तो उसका क्या परिणाम आता है, सब चीज़ों के बारे में बताया। और ये बताया कि आपका पूजा जो आप करते हैं भगवान की वो कैसे करें जो फलीभूत हो और आपके जीवन में दिनचर्या में काफ़ी बड़ा बदलाव आवे, जो आप चाहते हैं इच्छित फल की प्राप्ति हो उसके लिए एक बताया कि आप ऐसे ऐसे करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की, इसके बाद हम आपको बताएंगे आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में बताएंगे और फिर आपसे बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि किसका होगा भाग्योदय, किसकी चमकेगी किस्मत, किसका होगा पदोन्नति, कौन जाएगा प्रशासन के क्षेत्र में, किसको मिलेगी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका, कौन देश विदेश की यात्रा करेगा, किसको विदेश से व्यापार करने का अवसर मिलेगा, कौन शिक्षा के लिए कहां जाएगा, सब मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आइए अभी हम बात करते हैं आज के पंचांग की। अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 24 जुलाई 2019, दिन है बुधवार, तिथि है सप्तमी, रेवती नक्षत्र है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष है, चंद्रमा रहेगा मीन राशि में। शुभ कार्य के लिए आज समय नहीं है तो शुभ कार्य करने से परहेज करें। राहु काल है 12:27 से लेकर 2:08 अपराह्न काल तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 24 जुलाई 2019, तो आज जिन जातकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आप खूब आगे बढ़ें, प्रगति करें, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो, और ढेर सारी हार्दिक प्रार्थनाएं कि आप खूब आगे बढ़ें, जो भी आप चाहते हैं आपकी इच्छा पूर्ण हो। हैप्पी बर्थडे। अब हम बात करते हैं जो 24 तारीख के जन्म जातक हैं उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा। तो जो 24 तारीख वाले जन्म जातक होते हैं वो खास तौर से बड़े जुझारू, महत्वाकांक्षी और अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले, बहुत ही संवेदनशील, जोखिम भरा कार्य करने वाले, अर्थ के क्षेत्र में कार्य करने वाले और फाइनेंस के क्षेत्र में बड़ा कार्य करने वाले होते हैं। यह वर्ष आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहेगा। नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी पदोन्नत हो सकती है। मीडिया के क्षेत्र से आज आपको लाभ मिलेगा। यदि लेखन इत्यादि के क्षेत्र में लगे हुए हैं तो आप बड़ा कार्य कर सकते हैं। यदि आप माया नगरी में कार्य करते हैं, आप फिल्म वगैरह लिखते हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो उसमें आज आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलते हुए दिख रही है। तो आपने जाना आज के दिन जन्म जातकों का कैसा होगा भविष्य, इसके बारे में मैंने आज आपको बताया। और अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में, विस्तार से आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। प्रथम राशि है मेष राशि। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए यह समय अति महत्वपूर्ण चल रहा है। एक तो अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्लान है, योजना है, वो तो सारे प्लान योजनाएं आपके सफल होते हुए दिख रहा है और आपके समस्त कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहा है। आज आपको चारों तरफ से धन लाभ की संभावना बन रही है। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा तो धन में वृद्धि का योग बन रहा है। नए तरह के व्यापार कर सकते हैं, स्टार्टअप इत्यादि कर सकते हैं। खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, अपने एकेडमिक करियर के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, जो भी कार्य करते हैं एकाग्र होकर अपने कार्य क्षेत्र में लग जाएं, आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। आज आपको उपाय क्या करना, उपाय ये करना है कि भगवान सूर्य देव की आराधना करना, और जब प्रातः काल आप उठें तो अपने पिता माता का, जो आपसे अग्रज उनका जल, उनको क्या करें, स्पर्श करें। और यह चल रहा है सावन का महीना, तो सावन के महीने में खास तौर से बहुत ही पवित्र महीना है, जिसमें बिल्व पत्र मिले आपको या भांग धतूर आक भगवान शिव को एक लोटा जल और साथ में सब अर्पित करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8,
हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि के लोग हैं उनके लिए समय चारों तरफ से शुभ समाचार का शुभ संकेत मिल रहा है। प्रयासरत कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि आप कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं या किताब लिखने की क्षमता रखते हैं, आप फिल्मी दुनिया में लगे हुए हैं, तो आज आपको चारों तरफ से सफलता मिलेगी। जितना परिश्रम करेंगे उससे ज्यादा आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। और आज आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल गुरु मिलेगा, अखंड साइंस की तरफ आपका रुचि बढ़ेगा, जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकता है और आज आपको काफी आपके लिए बेहतर होगा। और आध्यात्मिक गुरु के मिलने से आपके जीवन में समुचित विकास होगा, आपका चतुर्दिक विकास होगा। यात्रा देशाटन तीर्थाटन इत्यादि से लाभ मिलते हुए दिख रहा है। ढेर सारे कार्य एक साथ होने से आपका मन प्रफुल्लित रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि सफेद वस्तु या सफेद वस्त्र दान करें, जो गरीब है उनको भोजन करावें और खास तौर से भगवान शिव को जलाभिषेक करें, बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक के साथ शुभ रंग बैगनी, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण चले। एक तो आज आपको चतुर्थिक क्षेत्र से लाभ मिलेगा, चारों तरफ से आपको शुभ समाचार, लाभ की स्थिति, प्रॉपर्टी में जो विवाद है वो सॉल्व होगा और आपके रुके हुए धन मिलेंगे। कोर्ट कचहरी से आज आपको लाभ मिलेगा। प्रयासरत कार्यों में बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रही है। परिवार में नए मेहमान के आगमन से मन आपका प्रसन्न रहेगा। पत्नी का सुख मिलेगा और जीवन संगनी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। पत्नी को नई नौकरी मिल सकती है। आज आपको चारों तरफ से लाभ मिलते हुए दिख रहा है, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी नकारात्मक सोच दूर दूर तक मन में ना आने दें। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि हरा चारा गाय को खिलावें और ये सावन का महीना चल रहा था, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें या क्या करें कि भांग धतूर आग जो भी उनको भगवान शिव को पसंद है आप उनको जरूर एक लोटा जल के साथ अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपके लिए शुभ अंक 6, शुभ रंग है शीघ्रीन और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं आज आपको अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना है, सही दिशा में लगाना है और जो भी आपने प्लान कर रखा है वो सारे आपके प्लान सफल होंगे। खास तौर से जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं, जो फिल्म लिखना चाहते हैं, कहानी बनाना चाहते हैं, गीत लिखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। ललित कला के क्षेत्र में रुचि रखने वाले जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, जो अपने एकेडमिक करियर को लेकर परेशान हैं, उनको परेशान होने की जरूरत है, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लग जाएं। आज आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रही है, बड़ा कार्य कर सकते हैं। जो भी आपके इर्द गिर्द परिता खटयंत्रकारी हैं सब विफल होंगे, आपको सफलता मिलेगी। रोग और शत्रु आपके परास्त होंगे। अपने समय का सदुपयोग करें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, निगेटिव थॉट से बचने की जरूरत है। और आज अपने को सेल्फ रिव्यू करना है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी क्या है, निगेटिविटी क्या है, तो जो पॉजिटिविटी उसको और बढ़ाना है और जो आपके अंदर निगेटिविटी उससे दूर हटना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके मित्र हैं कैसे हैं उसका ध्यान रखना और अच्छों के साथ रहना, और जो आपके साथ गलत लोग जुड़ गए हैं उनसे दूर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करें, आलस्य का परित्याग करें। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि वस्त्र दान करें, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करावें और भगवान शिव की आराधना करें। उनके लिए क्या करें कि बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय सफेद चंदन से लेके भगवान शिव को अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए रोजी रोजगार के लिए क्षेत्र में नए व्यापार के लिए, नए इंडस्ट्री के लिए, नए तरह के कार्यों के लिए प्रगति का अवसर मिलेगा। चारों तरफ से लाभ की स्थिति मिलते हुए दिख रही है। विदेश से नया व्यापार, नया कार्य कर सकते हैं, नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए समय आपका बहुत अच्छा, आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा है और आज आपका लक आपका दरवाजा नाक करेगा तो उसको अवेल करने की जरूरत है। साहित्य के क्षेत्र से आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा, इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, मल्टीटास्किंग कार्यों से धन लाभ मिलते हुए दिख रहा है। यदि आप माइंस में, मिनरल्स में, रियल एस्टेट में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और रोग और शत्रु परास्त होंगे और आज आपको ध्यान रखना है अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, कोई भी उतावलेपन में कार्य न करें, एग्रेसिव में न रहें। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि जो भी कार्य करते हैं थोड़ा उसको सोचें, समझें, प्लान करके करें, ऑर्गेनाइज तरीके से करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है,
आज आपको उपाय में करना है कि सूर्य की उपासना करना है और सावन का यह महीना चल रहा है तो इसमें भगवान शिव की आराधना बहुत जरूरी है। तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें कम से कम 3 माला रोज, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है मैरून, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। आइए अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए समय लेखन कार्य के लिए, साहित्य के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। यदि आप फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी और जो भी आपकी सोच है, महत्वाकांक्षा है, कार्य रूप में होते हुए दिख रहा है। शेयर से, फाइनेंस से, ट्रेडिंग से, मैनेजमेंट से आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अपने स्किल के क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ढेर सारे कार्य एक साथ होने का योग बन रहा है। जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, कृषि योग भूमि खरीदने का प्रबल योग बन रहा है, संतान सुख मिलने की संभावना बन रही है। खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, जो CA करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं या जर्नलिज्म में पढ़ना चाहते हैं या लॉ के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा बहुत ही अच्छा होगा, जो भी आपका टारगेट है उसको पूरा करते हुए दिख रहा है। नए तरह की नौकरी मिल सकती है, नए तरह के प्रतिष्ठान में आपके लिए बदलाव की भी संभावना बनी है। समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं आप बेहतर कार्य कर सकते हैं। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। मन में नेगेटिव थॉट एकदम ना आने दें। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करेंगे, भगवान शिव जी को जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 3 माला जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है आसमानी, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए समय रोजी रोजगार के लिए बहुत अच्छा है। चतुर्दिक लाभ होगा, आपकी मन स्थिति काफी प्रसन्न रहेगी, घर में ढेर सारे कार्य एक साथ होने की संभावना बन रही है, मान सम्मान के क्षेत्र में वृद्धि का योग बन रहा है, रोजी रोजगार से आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है, आयात निर्यात का प्रबल योग बन रहा है। परिवार में शुभ कार्य होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, माली हालत आपकी सशक्त होगी, ढेर सारे कार्य एक साथ हो सकता है, माता का सुख मिलेगा, पत्नी की हेल्थ को लेकर के चिंता हो सकती है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी सोच पॉजिटिव रखना, निगेटिव न रहने, देशले सकारात्मक सोचें, सकारात्मक करें और सकारात्मक लोगों के साथ रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, नीले रंग का वस्त्र अगर आप दान कर दे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, चाहे ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 3 माला जप करना आपके लिए बेहतर रहेगा और अन्न दान करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं आज आपको चारों तरफ से धन धान्य मिलने की संभावना बन रही है, रियल एस्टेट से लाभ मिलेगा। यदि आप भूमि भवन माइंस फर्टिलाइजर के क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, रियल एस्टेट से काफी पैसा मिलेगा। यदि आपकी कोई भी वाद विवाद चल रहा हो तो आपको सफलता मिलेगी। परिवार में शुभ कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है, भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, परिवार के प्रति कंसर्न रखने की जरूरत है। नए कार्य, नए उद्योग, नए इंडस्ट्री से आज आपको फायदा मिलते हुए दिख रहा है। खासतौर से जो खेल है, खिलाड़ी जो खेल खिलाड़ी हैं, जो खेल के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग हैं, जो खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य तय करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी है कि आज आपको बेवजह गुस्सा आते तो अपने गुस्से पर नियंत्रण करें। उपाय क्या करना है, संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बेहतर होगा और शुभ अंक है 4, शुभ रंग है आपका केसरिया और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि वाले जातक हैं उनको अपने खान पान पर, आहार विहार पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज आपको बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी, मंदिर इत्यादि का निर्माण करा सकते हैं, घर बनवा सकते हैं। यदि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, आयात निर्यात से लाभ मिलेगा, संपादन कार्यों से आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है, देश विदेश की यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने हेल्थ को लेकर के सचेत रहें। उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय करना है कि बंदरों को केला जरूर खिलावें और भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का 3 माला जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पिंक, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। गुरु के नुस्खे में आपको प्रतिदिन छोटे छोटे उपाय बताते हैं जो आपके लिए काफी लाभदायक होता है।
यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट है, आप परेशान हैं, पारिवारिक फ्रंट पर फेल हैं और लगता है कि जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, स्मूथली कोई चीज़ नहीं हो रहा है, विघ्न बाधाएं बहुत आ रही है, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज है दिन बुधवार, तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है। तो आज आप क्या करें कि पंचमेवा का खीर बनावें और खीर बना करके ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः मंत्र को लिख लीजिए। ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र से 3 माला हवन करें और ये कम से कम 21 बुधवार करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, विघ्न बाधाएं हैं, धन हानि है, परेशानियां हैं, सब समाप्त होगा और आप निष्कंटक आगे बढ़ेंगे और आपकी समस्त समस्याओं का समूल समाधान होगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत सारे कार्य आएंगे और आप अनिर्णित स्थिति में रहेंगे। उसमें कई बार क्या होता है कि आप जानबूझकर के गलत निर्णय ले लेते हैं, आप निर्णय ठीक से नहीं ले पाते, गुस्से में निर्णय लेते हैं जो आपके ली हुई निर्णय को बदल सकता है, आपकी स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में गुस्से में कोई निर्णय न लें, व्यापार सोच समझ करके करें और अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड होकर कार्य करें। परिवार में शुभ कार्य का प्रबल योग बन रहा है, जगह जमीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, इसका प्रबल योग बन रहा है और जो भी आपके रोग और शत्रु हैं सब परास्त होंगे। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बजट है उसी बजट में कार्य करें, उससे जब अधिक करेंगे तो आपको परेशानी होगी। और गणेश जी को दूध और दुर्वा चढ़ावें और दूध अर्पित करें, गणेश जी को आपके लिए अच्छा रहेगा और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 8, शुभ रंग है हरा और लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं 11वीं राशि की। 11वीं राशि कुंभ राशि के नाम से जाना जाता है। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। शनि से प्रभावित व्यक्ति बहुत ही मेहनती होता है, अपने कार्यों को करने वाला होता है, न्यायप्रिय होता है और न्याय के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ने वाला होता है। परिवार में शुभ कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है, जो भी आपके भाई बहन परिवार के प्रति जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है उसको पूरा करेंगे और रोजगार के आज आपको अवसर मिलेंगे। भाई बहनों को भी नौकरी मिल सकती है, उसका प्रबल योग बन रहा है। जो भाई बहन अविवाहित है उनके विवाह हो सकता है और नए प्रकार के कार्य व्यापार और नए तरीके के अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसका प्रबल योग बन रहा है। खासतौर से जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, जो रोजी रोजगार के क्षेत्र में लगे हुए उनकी तलाश कर रहे हैं, उनको सफलता मिलते हुए मिल रहा है और आपका समय सर्वोत्तम चल रहा है। सेहत पर ध्यान रखने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले तो निर्णय आपका गलत हो सकता है। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि गाय को हरा चारा खिलाना है और भगवान शिव की आराधना करना है। ओम नमः शिवाय बेलपत्र पर लिखें लाल चंदन से और भगवान शिव को अर्पित करें। और आपके लिए शुभ अंक है 8, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक होते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। एक तो आज आपका जो भी विजन होगा, आइडिया होगा, सबको इम्प्लीमेंट करने का समय आ रहा है। अपने रियलिटी को, जो इमेजिनेशन उसको रियलिटी में बदल सकते हैं। भावनात्मक रूप से बड़े मजबूत होंगे, इमोशंस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। और कई बार क्या होता है कि बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, सेंटिमेंट में आके कार्य करते हो, कार्य आपका गड़बड़ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है। निर्णय कोई भी आत्मसम्मान को लेकर के ना सोचें, निर्णय बैलेंस होके लें। जो भी निर्णय लेना बैलेंस होके करें, गुस्से पर कंट्रोल करें, माता पिता की बात सुने, भाई बहनों को समय दें, पत्नी को समय दें, बच्चों को समय दें, परिवार के प्रति थोड़ा एकाग्र होकर के लगने की जरूरत है और अपने समय का सदुपयोग करें। प्रचुर मात्रा में धन लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। सावधानी क्या बरतनी है, कई बार क्या होता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके आलस्य के कारण आपके हाथ से निकल जाती है। तो आलस्य में अपना समय नष्ट न करें, समय को पहचाने और उसकी जो धारा है, समय की धारा में चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि चने की दाल मंदिर में दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पीला और लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। आज हमने आपको बताया कि जो आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ में जो भगवान की चीज़ें जो अर्पित करते हैं,
तो उसको पूजा करने वाली चीज़ों को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह दोषपूर्ण हो जाता है और जो आप पूजा करते हो उसका पूरा पूरा फल आपको नहीं मिलता। तो उस पर आपको क्या सावधानी बरतनी है, कैसे पूजा करना है, कहाँ रखना है, सारी बातें मैंने आपको विस्तार से बताया। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते आपको मैं बता दूँ कि कल कौन सा तिथि है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा दिशाशूल है, किधर का, सब मैं आपको आइए बताता हूँ। कल है 25 जुलाई 2019, दिन है गुरुवार, अष्टमी तिथि है, अश्विनी नक्षत्र है, चंद्रमा रहेगा कृष्ण आज माफ करिएगा कृष्ण पक्ष है और चंद्रमा रहेगा मेष राशि में, और शुभ समय 12 बजे से लेकर के 12:54 अपराह्न काल तक रहेगा। राहु काल है 2:08 से लेकर 3:50 सायंकाल तक रहेगा। दक्षिण दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। हरे कृष्ण।